एलविश यादव आजकल बहुत कंट्रोवर्सी में रहने लगे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मैक्सटन को मारा, जिसके बाद मैक्सटन ने एलविश यादव के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था शेम ऑन एलविश और अरेस्ट एलविश यादव। लेकिन उनका मैटर तो सॉल्व हो गया था, पर फिर भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें एलविश यादव को पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या एलविश यादव अरेस्ट हो गए हैं, जानते हैं इस वीडियो में। ANI ने ट्वीट कर बताया कि नोएडा पुलिस अरेस्ट यूट्यूबर एंड बिग बॉस OTT2 विनर एलविश यादव। पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि एलविश यादव मैक्सटन को मारने के लिए नहीं बल्कि वेनम केस के लिए उनको अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने एलविश यादव को कस्टडी में लेकर कुछ देर पूछताछ करी, उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया और वहां कोर्ट में एलविश यादव को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जिसके बाद पुट एलविश बिहाइंड बार्स ट्रेंड करने लगा। जब पुलिस एलविश को ले जा रही थी तब उनका रिएक्शन क्या था खुद ही देख लो। कुछ कहना है आपको? जी, एलविश आपने अपना जुर्म कबूला है?